नमस्कार नेशन अपडेट डॉट इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किया आरंभी टिप्पणी, बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इंदौर वाले इस देश को काले अंग्रेजों से निजात दिलाए। शहडोल भाषण पर चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने 11 पेज का जवाब और 161 पेज का भेजा साक्ष्य। चुनावी दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी, 13 मई को मध्य प्रदेश और 14 मई को हिमाचल में चुनावी सभाओं को करेगी संबोधित। दिल्ली को 6 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल फाइनल में बनाई अपनी जगह। जीत का श्रेय टीम के कप्तान धोनी ने खिलाड़ियों को देते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वह बेहतरीन था। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कहा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित चक्रवात शनिवार को पहुंचेगा छत्तीसगढ़। चक्रवात के छत्तीसगढ़ पहुंचते ही दोपहर के बाद राज्य के कई हिस्सों में हो सकते हैं तेज हवाओं के साथ बारिश। तपती धूप में राज्य मंत्री गुलाब कमरो ने सोनहत ब्लॉक के दूरस्थ पहुंच विहीन वनांचल क्षेत्रों का किया दौरा, ग्रामीणों से हुए रूबरू। 1984 सिख दंगों के बयान मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा सिख दंगों पर बेतुके बयान के लिए मांगे सैम पित्रोदा माफी। महेंद्रगढ़ शहर के नगर पालिका द्वारा दूषित पानी सप्लाई को लेकर भाजपा का फूटा गुस्सा, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर कोरिया ने महेंद्रगढ़ के विभिन्न विद्यालयों का किया निरीक्षण, इस दौरान शासकीय विद्यालयों के बच्चों से हुए रूबरू। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा गठबंधन पर लगाया जातिवाद का आरोप हास्यास्पद और अपरिपक्व है। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की इसी प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।